अगली खबर में हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में दुर्लभ प्रजाति के सांप के बारे में। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में एक दुर्लभ प्रजाति का सांप देखा गया है। इसके एक मुंह और दो आंख नहीं बल्कि दो मुंह और चार आंख हैं। यहां इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई है। इसके बाद लोगों ने बकायदा इस सांप की पूजा अर्चना भी की है और पैसे भी चढ़ाए हैं। बलौदा वन परिक्षेत्र के ग्राम सनीचरी डीह में गुरुवार दोपहर को लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। इसी दौरान गांव के परदेसी कंवर के घर के आंगन में लोगों ने ये सांप देखा। परदेसी के घर वालों ने पहले जब उसे देखा तो वह नहीं पाए कि यह क्या है। पास से देखने पर पता चला कि यह सांप है, वह भी दो मुंह वाला। इसके बाद इस दुर्लभ सांप के निकलने की खबर गांव में फैल गई। सुनते ही लोगों ने परदेसी के घर पहुंचने लगे। धीरे धीरे भीड़ जमा हो गई। लोगों को लगा कि यह सच में भगवान का रूप है, इसलिए उसकी पूजा अर्चना भी की गई। एक शख्स ने सांप को उठाकर ट्रे में भी रख लिया था। इस सांप को सैंड वोबा प्रजाति का सांप कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी भाषा में इसे लोग मुसरेड़ी भी कहते हैं। ये छोटे आकार का होता है। पर्यावरणविदों की माने तो दो मुंह वाला सांप काफी दुर्लभ होता है। यह सांप धीरे धीरे चलता है, जिसकी वजह से इसका जीवन खतरे में होता है। इसके कभी भी शिकार होने का खतरा हमेशा बना रहता है। ये सांप लाखों में एक होता है। आमतौर पर ये लोगों को नहीं दिखाई देते हैं। इसका दो मुंह होना माँ के गर्भ में ही विशेष परिस्थितियों में निर्धारित होता है। इनका जीवन काल भी बहुत छोटा होता है। यह जहरीले भी नहीं होते हैं।